आप तीनों एक साथ इस तस्वीर में हैं। क्या आप उन्हें जानती थी? बेगम साहिबा, आप माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ याद आया? नहीं बेगम साहिबा, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे पता चला है मेरे अम्मी अब्बू इसी घर के पास किसी बहुत बड़ी सी हवेली में रहते थे। पर मैं ये नहीं पता कर पाई कि मतलब एग्जैक्टली कौन सा घर था। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी बरसों से यहाँ रह रही हैं, मुझे लगा शायद आपको कुछ पता। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि हमें तुम्हारे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही हम जानना चाहते। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, पर ये कैसे हो सकता है कि इतने आसपास रहते हुए भी इन्हें मेरे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ पता ही ना हो? हया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वही बात जो मैं पिछले कुछ दिनों से कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बड़ी अम्मी हॉस्पिटल में थी और तुम बहुत परेशान थी इसलिए कह नहीं सका। अब तुम्हारी बड़ी अम्मी घर पे आ गए तो मुझे लगा कि आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, अपने दिल की कोई भी बात, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हया, मैं तुमसे भाईजान, आप I'm sorry. लेकिन क्या है ना, हया को मैं लेके जा रहा हूँ। चलो टेरिस पर चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? दिलशाद की किस्मत हर बार उसका साथ कैसे दे सकती है? रजिया भी, आपको वहां पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन लेकिन आप है ना, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अरे बेगम साहिबा, खामा खा खून जलाकर क्या फायदा है? अरे दिलशाद अगर मुर्दा नहीं भी है तो क्या मुर्दे से कम भी तो नहीं है? होश कहाँ आया है उसे अभी? बात सिर्फ दिलशाद की नहीं है रसिया भी, सब कुछ बिखर रहा, सब कुछ। उस सनम की बच्ची जोया और असद के बारे में जानने की कोशिश कर रही, और हमें तो लगता है कि अभी तक सब कुछ जान भी चुकी है। कौन है जो हमारे हमारे सारे राज खोल रहा है? कौन है जिसने उसे बताया कि असद का कमरा उस तरफ है? और कौन है जिसने बताया कि
वो लोग इसी इलाके में रहा करते थे। कौन है रसिया भी? तो ये सब कुछ हमारे खिलाफ कर रहा है? अल्लाह, किसकी तरफ है इशारा? बेशक आपकी तरफ रसिया भी। आप पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं। एक बार हम आस्तीन के सांप पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन आप पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है रसिया भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल तो आप हमारी तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन चाल चाल दूसरी तरफ से चल रहे हैं? हाँ, हाँ। हमें आप पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था रसिया भी। वो आप ही थे ना जिसने हमें बताया था कि सनम को वो दरवाजा मिल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं रसिया भी कि उस दरवाजे तक आपने उसे वहां पहुंचाया हो? जवाब दीजिए। और हाँ, आप तो दिलशाद को मारने के लिए गई थी ना, लेकिन उसे मार नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आपको जलन होने लगी थी, क्योंकि एक वक्त पर इस घर पर, इस हवेली पर आपकी हुकूमत चला करती थी, आपका राज हुआ करता था। वही पुराने दिन आपको याद आ गए होंगे, वही पुराने दिन आप फिर से जीना चाहती होंगी, है ना? इस हवेली को आप हथियाना चाहती हैं, है ना? ताकत के नशे में इंसान अक्सर अंधा हो जाता है बेगम साहिबा, लेकिन तुम जो हो ना, वो सिर्फ आंखों से ही नहीं, अकल से भी अंधी हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है बेगम साहिबा, अगर मुझे यही सब करना होता तो मैंने बहुत पहले कर दिया होता, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मेरा असली फायदा तुम्हारी कब्र खोदने में नहीं, तुम्हारे गुनाहों पर मिट्टी डालने में। हमें आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है रसिया भी। पूरी जिंदगी तो आप झूठ के ही बीच बोलती रही है रसिया भी, और कौन जाने कि उसी झूठ की फसल काटने के लिए आप यहां पर आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करिएगा रसिया भी। भले ही हम देख नहीं सकते रसिया भी, लेकिन हमारी नजरें हर वक्त आपकी एक एक हरकत पर है। याद रखिएगा इस बात को, अगर हमें किसी दिन ये पता चला कि आप रह तो हमारी छांव में रही हैं, लेकिन हमारी ही जड़ें काटने की कोशिश कर रही हैं, तो याद रखिएगा रसिया भी, अल्लाह कसम हम आपका वो हाल करेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। क्योंकि एक बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बेगम साहिबा, बेशक उम्र हो गई है मेरी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। बड़ी किस्मत वाली हो तुम, वरना कहां आहिर बाबा और कहां तुम।
दुनिया में सबसे अच्छा लड़का मिला है तुम्हें। अगर वो मुझे मिले होते तो सुबह शाम में बस उन्हें देखती रहती। वैसे अभी भी तो देखती रहती हूँ। और तुम हो कि बात बात में उनसे लड़ने का मौका ढूंढती रहती हो। तो अपनी पहलवानी छोड़ो और सीधे मुझसे बात क्या करो उनसे। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत जोर से दर्द हो रहा है मेरे। दिखाओ मुझे। तुम्हें पहले कोई चोट लगी थी क्या? चोट नहीं, नहीं। बिना चोट लगे ये नील कैसे पढ़ सकता है? पता नहीं कैसे पढ़ रहा, और अल्लाह इतनी दर्द हो रही है। अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आता, ये आज पहली बार नहीं हुआ। बचपन से ऐसे होता आ रहा है, कभी बाजू पे, कभी कभी पीठ पे, कभी टांग पे, ऐसे निशान बढ़ते रहते हैं और दर्द भी होता है। चोट भी नहीं लगती और ये निशान आ जाते हैं, जैसे किसी और की चोट के निशान आ रहे हैं, या किसी और को चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। अल्लाह, तुम्हें तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर अभी मैं तुम्हें बर्फ लगा देती हूँ, रुको मैं ले आती हूँ। सनम सहर, कैसा लग रहा है? बेहतर है, शुक्रिया। जरा पकड़ो एक मिनट। ओफो, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। और तुम तो हुबहू अपनी अम्मी के जैसे दिखती हो। वैसे बड़ी याद आती होगी ना उनकी? बहुत याद करती हूँ। वैसे मेरे पास याद करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। बहुत छोटी थी ना जब उनका इंतकाल हो गया। बस जितना मुझे बड़ी अम्मी ने बताया है मैं उतना ही जानती हूँ इन्हें। पर पता है, मैं जब से भोपाल आई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अम्मी अब्बू के अतीत के बहुत करीब हूँ। भोपाल से ही थे ना ये। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ी सी और शिद्दत से कोशिश करूँ तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये लड़की दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही उतावली होती जा रही है अपने अम्मी और अब्बू के बारे में जानने के लिए। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी रेहान, पहुंच गए वो लोग? मैंने उन्हें वहाँ घर के पास ही खड़े रहने के लिए कहा था। हाँ, वो खड़े तो हैं, मुझे लगता है वही हैं। रिहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहा जाता, उन्हें तो हक से कुछ भी काम करने के लिए कह सकते। मैं दुआ करता हूँ सनम, तुम्हें अपने अम्मी अबू के बारे में सब कुछ पता चल जाए। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मदद की है। अच्छा ठीक है रिहान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं उनके पास जा रही हूँ अभी। Thank you.
बाबा, बाबा सलाम अलैकुम। बाबा मेरा नाम सनम है, आपसे रेहान ने बात की थी। मैं असद अहमद खान और जोया अहमद खान की बेटी हूँ। रेहान बता रहा था कि आप मेरे अम्मी अब्बू को जानते थे, मिले थे उनसे आप। कुदरत का भी करिश्मा अजीब है, तू तो बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह लगती है। बिल्कुल याद है बेटे, इंसान जो भी करता है, जो भी कहता है, उसे तो बुलाया जा सकता है, लेकिन वो आपको क्या महसूस कराता है उसे बुलाना मुश्किल है। तुम्हारे अम्मी और अब्बू दिल को सुकून पहुंचाने वालों में से थे, बड़े ही नेक दिल थे दोनों। बाबा आप जानते हैं वो कहाँ रहते थे, मतलब कुछ ऐसा? बेटे वो यही रहा करते थे, बहुत बड़ा और आलीशान घर था उनका, बिल्कुल महल जैसा। बाबा आपको याद है वो घर कहाँ था, कौन सा घर था? वो वाला। बाबा माफ कीजिएगा लेकिन आपको अच्छे से याद है यही घर था? बेटे घर तो वो इतना ही बड़ा था, वो वाला हो सकता है। दरअसल बेटे इतने बरसों में सब कुछ बदल गया है और घरों के सबके रंग ढंग भी इतने बदल चुके हैं कि पहचानने में नहीं आते। वैसे भी इनकी आदत बहुत कमजोर है। अरे मैं बूढ़ा भले ही हो गया हूँ लेकिन मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकता जिसने आपके अम्मी अब्बू की जान ली थी। जी बाबा, खुदा ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसा। मेरी बड़ी अम्मी ने बताया मुझे वो रोड एक्सीडेंट के बारे में। नहीं बेटे, उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। मतलब फिर क्या हुआ था? बहुत खौफनाक हादसा था बेटे, याद आता है तो रूह कांपने लगती है। एक्सीडेंट ही होगा, इन्हें याद नहीं? बिल्कुल याद है और अच्छी तरह से याद है। बेटे मेरे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ बेटे, उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी बल्कि एक साजिश के तहत हुई थी। कोई बहुत गहरी और घिनौनी चाल चली गई थी उनके खिलाफ। साजिश? ये कैसे हो सकता है? अम्मी अब्बू की मौत एक हादसा ना होकर साजिश थी? सनम किससे बात कर रही है? बस बाबा बहुत हो गया। दीदी आप बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही है, इनकी बातों में मत जाओ, इन्हें भूलने की बीमारी है। चलिए बाबा। नहीं नहीं बेटा एक मिनट, बेटा मैं बात कर रही हूँ। अरे बाबा मेरी बात तो। क्या कह रहे थे बाबा, ये कैसे हो सकता है? मेरे अम्मी अब्बू की मौत हादसा ना होकर साजिश थी। ड्राइवर जरा देखो तो सनम किससे बातें कर रही है, किसके साथ में है? जी मैडम। ला, अच्छा हुआ तुम मिल गई सनम, पकड़ो जरा इस उम्र में। अरे कहाँ, इस उम्र में अपना बोझ तो उठाया नहीं जाता, इतना बोझ कैसे उठाऊं? सनम रजिया बी के साथ है और वो दोनों घर जा रहे हैं। रजिया बी, रजिया बी। अरे क्या हो गया बिल्लो रानी, ऐसी बौखलाई हुई क्यों? क्यों आओ हमारे साथ? अरे क्या, अरे हुआ क्या? अरे सुनो, अरे ओ हेलो, अरे क्या हो
हमने कहा था ना आपकी हर हरकत पर हमारी नजर है। मजाक कर रही हो, तुम नजर रखोगी? अरे बारूद के बिना जैसे धमाका नहीं होता, ऐसे बिना नजर के नजर कैसे रख सकती हो? चलो, क्या कहा तुमने? तुम पर नजर रखने के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है रजिया भी, सिर्फ हमारी अकल ही काफी है। हमें पता चल गया है रजिया भी कि वो तुम ही थी, वो तुम ही हो जो सनम को सब कुछ बता रही है। लो रानी, वो तुम कैसे कह सकती हो? मैं हम जानते हैं रजिया भी, और तुम इस बार से इनकार नहीं कर सकती। कोई गलती हो गई है तुमसे? कोई गलती नहीं हुई है। कहा था ना कि हमारे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना रजिया भी। तुम हमें हमारे गुजरे हुए कल के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन रजिया भी अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अरे बिल्लो रानी, अरे सुनो, चलो। अरे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच में, अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे निकल जा रहा।